which was continuously traveling all over India against the suicide of human beings. Because he visited... Good morning, Sanjay Banjara. I welcome you all. Welcome. Today we are in Kanyakumari. I am now going to Sunrise Viewpoint. हो गया लेट, 6 बज गया है, अंधेरा अभी भी है। चलिए चलते आगे। होटल का जो मैनेजर है मुझे कल बता दिया था जो सनराइज देखना है, तो आपको यहाँ तो जल्दी जाना है, 6:15 तक ये होता है। ये चार्ज पीछे यहाँ पे आपका विवेकानंद रॉक बेकार परेशान हो रहे थे। अभी मैं नेट पे सर्च करके देखे कन्याकुमारी सनराइज टाइम 6:30 है। 6 बजे से पहले ही तक करके बैठे, मोबाइल तान के बैठे हैं लोग वीडियो बनाने के लिए। मैं खुद बैठे थे वीडियो बनाने के लिए, आप जब टाइमिंग देखे तो बोले अरे भाई ये कौन सा बात हो गई। सनराइज टाइम लेकिन जो है आज क्लाउड की वजह से लेट से हुआ है जो सनराइज देखने आए। जो देखने आए तो मुझे मिला नहीं यार, नींद भी खराब कर डाले। अब कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से, पर जब मैंने लेने की कोशिश किए थे वीडियो तब सालों ने दम तोड़ दी, मन तोड़ दिया अपना। चलो क्या किया जाए। कन्याकुमारी में ये जो आप पोस्ट बॉक्स देख रहे हैं ये मैसियन को मद्रास के कंपनी है शायद। सैंडियन हॉलीडे क्लोज, मतलब नो क्लियरेंस ऑन संडे एंड हॉलीडे। 3 AM शायद इसका क्लियरेंस होता है। कोर अंचल ये घड़ी है। ये सनराइज में तो मजा आया नहीं, तो चाय पीने आ गए। अब चाय पी के जाऊंगा होटल। कन्याकुमारी मैं सुबह ही छोड़ देते लेकिन वो सनराइज देखने के चक्कर में मैं जा ही, मतलब नींद पूरा नहीं हुआ। गए सनराइज भी देख नहीं पाए और नींद पूरा नहीं हुआ, नींद पूरा करने में लेट हो गया है, क्योंकि नहीं तो रोड पे जाके दिक्कत होता है। बेंगलुरु सुरम सुरम देख रहे हैं। जब मैं कन्याकुमारी में थे समुंदर के किनारे से दिखाई दे रहा था बहुत सारा ऐसा पंखा। हाय गुड मॉर्निंग, संजय बंजारा में आप सभी को स्वागत है। स्वागत है आपको वनागुड़ी तमिलनाडु में। मैं कल रात में इसी होटल में रुके थे और सर आपका नाम मनीराज। मनीराज सर मुझे कल रुकाया था यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा से बात किए और ढेर सारे बातें हुआ है सर, हिंदी पूरा बोल ली है। ये मेरे लिए मतलब तमिलनाडु में बहुत अच्छा बात है जो हिंदी बोल ली है सर ने। सर बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा रहिए, खुश रहिए। चलते हैं, तुम्हारा ले लिया वीडियो। संजय बंजारा तमिलनाडु में दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा पहाड़ का व्यूज देखिए, व्यू देखिए। और ये ढेर सारे पंखा, एक्चुअली मुझे लगा था मौसम विभाग का है, बाद में पता चला नहीं मौसम विभाग का नहीं, ये आपका ये जो पंखा लगा है इलेक्ट्रिसिटी का है, कंपनी ने लगाया है। बहुत बेहतरीन लग रहा है, मुझे पता ही नहीं था इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। बाकी डिटेलिंग में तो मैं मतलब पूछे थे लेकिन डिटेलिंग में बता नहीं पाया कोई,
कोई ऐसा कुछ कोई मिल जाए तो जरूर पता करूंगा। चलो आगे चलते हैं। पूरा पहाड़ और पहाड़ इसको मैं छोटा सा टिल्ला सोचते थे उससे, लेकिन अभी देख रहे टिल्ला नहीं पड़ा है। और इस हाईवे पे देखिए ये जो खंबा टाइप का है इसमें कैमरा लगा हुआ है, हर एक आधे किलोमीटर या उससे भी कम जगह पर दूरी से हर जगह ऐसे एक एक पिलर जैसा लगा हुआ है, कैमरा लगा है। और आगे भी एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, सभी देखते हैं। ये हाईवे पे मैं अभी खड़े हैं, जगह का नाम तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे कोई लिखा नहीं है। कितना अच्छा नज़ारा देखो, पहाड़ से घिरा हुआ। मैं उस तरफ से आए, उस तरफ से ये पहाड़ घिरा हुआ और यहाँ का पहाड़ी का नज़ारा कुछ अलग है जो आपका मन उत्फुल्ल कर देगा। ये देखिए ये पहाड़ मैं दूर से देखते हुए आ रहे थे, ये पहाड़ी भी कलर कुछ अलग है। ये आपको ताड़ के पेड़ के बगल से एक दिखाई दे रहे पहाड़ और वो देखिए बीच में से वो जगह, पहाड़ और पहाड़ है इस तरफ, लेकिन रोड अभी भी ठीक ठाक चल रहा है मेरे लिए। हाँ मैं बिल्कुल साइड साइड से चल रहा हूँ, मैं चेन्नई की तरफ जा रहा हूँ। चेन्नई पूरा नारियल का पेड़ बगीचा है, ये केला का खेत बढ़िया है। एक मिनट, ये इतना सुंदर नज़ारा का वीडियो मेरे साथ भी ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। ये देखो पहाड़ी, ये देखो सुंदर सा नज़ारा। वाहीकुलम ये मंदिर का खाना है ना, मंदिर का मंदिर। अच्छा अच्छा, ये है मंदिर। हाँ पकड़ रहे, चाचा जी यहाँ पे खाना बांट रहे, तो मुझे पता नहीं था जो ये खाना कैसे, तो मैं पूछे कितना रुपया, तो कह रहे फ्री है खाओ, फ्री है खाओ, तो मुझे खाना दे दिया गया है। अरे चाचा, दादी नमस्कार। हिंदी नहीं समझते ना? अच्छा कोई बात नहीं, नमस्कार तो समझते। अच्छा, मेरा नाम संजय विश्वास, संजय विश्वास जी जी जी। अब खाना मिल गया, खाना खा लेते हैं तब तक। जी राम राम। मेरा नाम मणि पंडित है, 10 साल से ट्रस्ट चला रहा हूँ, गरीब लोगों को खाना खिला रहा हूँ। सुबह खिचड़ी देता हूँ 7 बजे, दोपहर को चावल दाल, उनको डोनेशन में उनसे खीर वगैरह भी देता हूँ। ये 10 सौ बहुत 500 साल का पुराना मंदिर है। मंदिर का नाम, मंदिर का नाम है धर्मशास्त्रा मंदिर है। हम इसी में अन्ना ट्रस्ट है, हम 10 साल से रखा हूँ। उसमें टैक्स फ्री है, इसमें अगर डोनेशन देना वाला तो टैक्स फ्री है, ऐसे हम बना कर रखा हूँ। बहुत गरीब लोग इधर खाना के लिए आता है। ये जगह का नाम बता दो। इसी जगह वे नांगनेरी तिरुनेलवेली मावटम डिस्ट्रिक्ट तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट नांगनेरी तालुका तमिलनाडु। अच्छा अच्छा। ஆமா, இது ஜெனரல் வாகைக்குளம் பெருவேம்புடையார் சாஸ்தா டெம்பிள். அச்சா அச்சா, मैं भी सबके सबको गुजारिश करना चाहते हैं, बहुत मैं खुद खाए थे वहाँ पे खाना, वीडियो अब में आप देख लेंगे। ये सर का कार्ड है, ट्रस्ट का नाम लिखा हुआ है, नीचे SBI का मतलब अकाउंट नंबर IFSC कोड दिया हुआ है, आप हेल्प कर सकते हो इसमें। बहुत सारे भूखे लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा जरूर। प्लाजा सेकेंड टोल प्लाजा या फर्स्ट टोल प्लाजा मुझे याद नहीं है, टोल प्लाजा है तमिलनाडु में दिखाई दिया। अच्छा है, अभी सेटिंग हो रहा है, नया टोल प्लाजा है लग रहा है। सुंदर डेकोरेशन, अच्छा कितना अच्छा सा जगह था, लेकिन मैं वीडियो नहीं करते, मेरा मोबाइल का जो पावर बैंक का जो कॉर्ड है वो खराब हो गया, तो चार्ज करने में मुश्किल हो रहा है। अच्छा अच्छा नज़ारा मुझे छोड़ना पड़ा, थोड़ा बहुत कोशिश करके चार्ज कराए। ये देखिए कितना अच्छा
नज़ारा है पहाड़ी कितना अच्छा है। पीछे एक बहुत बेहतरीन एक जगह छोड़ना पड़ा भी, तो कारण एक ही है जो मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा था। कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, देखिए। सुंदर सा झील गांव के बीच में, गांव के उस तरफ गांव है, इस तरफ झील है सुंदर सा। त्यागराजा नगर ऊपर वाला पर नहीं पाया। मदुराई है, मदुराई में जाके रुकने की कोशिश करूंगा। ऊपर चल रहा हूँ, अंधेरा होने लगा है, टाइम हुआ है 6:30, थोड़ा सा ज़्यादा ही हुआ है। और यहाँ पे सुंदर सा झील है, यहाँ पे सुंदर सा झील है। और ये देखिए कितना सारे पक्षियाँ जंगलों में पेड़ में चढ़ा है, पेड़ के साथ झील। और कितना अच्छा सा घर सजा के रखा है, मतलब सजाया हुआ है। इधर भी ऐसा है, नीचे से लिंक रोड चला गया और हम जा रहे ऊपर से। इधर कितना सुंदर नज़ारा है, ये संझे के टाइम देखने में बहुत बेहतरीन लग रहा है सब। और पता नहीं ऐसे रुकना कहाँ है, अभी तो अंधेरा होने लगा है, देखते हैं। तमिलनाडु में प्राकृतिक सुंदरता बहुत है, नारियल के पेड़, सामने आपका झील, अभी पीछे एक झील छोड़ के आए। इतना सुंदर नज़ारा, जहाँ तक जा रहा है मेरा आँख, मतलब दृष्टि जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक सुंदर लग रहा है। और घर के बगल बगल से सब नारियल का पेड़, फूल मिला के वेरी स्वीट ब्यूटीफुल नेचर। अभी एक पेट्रोल पंप में रुका हूँ और मैं अभी जहाँ पे हूँ सर XMP है सर, वो ह्यूमन विंग, गुड ह्यूमन विंग। सो मुझे पता नहीं था तो सर MP होके भी मेरे साथ मतलब कॉमन मैन जैसा बात करेगा, सही में बहुत अच्छा लगा। सर को दिखा रहे, सर से थोड़ा बात भी करेंगे। ये है सर, सर से अभी बात करा रहे, एक मिनट। विश्वास कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया अगेंस्ट द सुसाइड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज़ ही विजिटेड मोर देन 16 स्टेट्स एंड नाउ ही इज विजिटिंग 17th state of Tamil Nadu. I met him in Tamil Nadu, especially in my native place of Tirunelveli district. I congratulate him, I encourage him, I wish him to travel successfully to finish. Thank you so much, sir. Okay.